डीटीएच डिश का धंधा खत्म होने जा रहा है। इंटरनेट पर एंटरटेनमेंट यानी डिजिटल स्क्रीन भारतीयों की पहली पसंद बनकर उभरा है। टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया ट्राई के आंकड़ों के मुताबिक केवल 3 महीनों में 13,20,000 से अधिक ग्राहकों ने अपने घर की छतों से डीटीएच की छतरी उतरवा दी है, यानी डीटीएच सर्विस के लिए पैसा देना बंद कर दिया है। डिस्ट्रीब्यूशन अच्छा है, वाईफाई वाला सिस्टम अच्छा है, मौसम खराब होता तब भी चलता है, जियो बेस्ट लगता है। वैसे तो मेरे को केबल्स होते थे बट उसमें प्रॉब्लम्स होती थी स्पेशली वेदर कंडीशंस की वजह से, और जब से ये ऐप सर्विसेज आई हैं लाइक जियो सिनेमा एक्सीलेंट कंटेंट प्रोवाइड करते हैं हम लोगों को और एड फ्री कंटेंट मिलता है, जस्ट प्लग एंड प्ले ऑप्शंस मिल जाते हैं हमको। लाइव क्रिकेट मैच हो या कोई नई मूवी या फिर सास बहू के इमोशनल सीरियल, एंटरटेनमेंट के लिए इंटरनेट पर शिफ्ट हो रहा है यंग इंडिया। उन्हीं 3 महीनों में जब डीटीएच सर्विस धड़ाधड़ बंद हो रही थी, 2,23,00,000 भारतीय इंटरनेट से कनेक्ट हो गए। डीटीएच पहले इशू तो देखो होता था क्योंकि हम पुराने सीरियल्स नहीं देख सकते थे, और आप सबको पता है कि एक इंडियन फैमिलीज में सीरियल्स तो मस्ट है, उससे हमें नेक्स्ट एपिसोड के लिए वेट भी करना पड़ता था। पर जियो सिनेमा के आने से मैं पुराने सीरियल्स हम कितने भी कोई भी सीरियल्स मानो हम उसको देख सकते हैं। डीटीएच से ग्राहक टूटेंगे तो डीटीएच कंपनियों की जेब तो ढीली होगी ही। पिछले वर्ष में 11,000 करोड़ का नुकसान झेल चुकी है ये कंपनियां, तो कुल मिलाकर बात साफ है, डीटीएच का धंधा अब खत्म होने की ओर बढ़ रहा है और इंटरनेट है आज और कल का सच।